हेलो फ्रेंड नमस्कार। तो किचन में आई तो गरम मसाला नहीं था। मैंने कहा चलो गरम मसाला बना लेते हैं, क्योंकि गरम मसाले के बगैर खाना टेस्टी नहीं लगता। तो गरम मसाले में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, तो चलते हैं बनाने। तो उसके लिए सबसे पहले ले लिया बड़ी कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड कर दिया आपने धनिया। धनिया ऐड करने के बाद जीरे को ऐड कर दिया। आपका जीरा थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए धनिए से। और उसके बाद आपने ऐड कर देना एक मुट्ठी दालचीनी को। दालचीनी ऐड करने के बाद एक मुट्ठी लौंग ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने ऐड कर देना है छोटी कटोरी काली मिर्च को, और उसके बाद छोटी कटोरी बड़ी इलायची। इन सबको ऐड करके आपने 7-8 पत्ते तेज पत्ते के डाल देने हैं। ऐड कर दिया जावित्री को, उसके बाद ऐड कर दिया चक्रफूल को, और यहाँ पर ये पीपली है। पीपली हार्ड होती है तो मैं इसको कूट रही हूँ। तो कूटने के बाद इसको मैं मसाले में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये जायफल है, ये भी हार्ड होता है ताकि हमारी मिक्सी ख़राब ना हो, तो इसको पहले ही कूट लीजिए और ऐड कर दीजिए अपने मसाले में। और देखिए सब मसाले हो गए। तो इसको मैंने सिम फ्लेम में गैस में चढ़ा दी कढ़ाई। 5 मिनट्स आपने इसको रोस्ट करना है, और रोस्ट सिम फ्लेम में करना है ताकि आपका मसाला जले ना। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपने ये मसाला जब आपका ठंडा हो जाए तो आपने मिक्सी के कंटेनर में इसको डाल देना है और पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, घर के जो बने, घर में जो हम पीसते हैं मसाले वो सही रहते हैं, हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं मिक्सी में पीस रही हूँ, और पूरी किचन में इतनी खुशबू हो गई, इतना अच्छा लग रहा है। तो और देखिए फ्रेंड्स, पिस के हो गया तैयार गरम मसाला, और इसको ऐड कर दिया ये कांच के कंटेनर में। आपका कंटेनर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बरसातों का टाइम है, नहीं तो आपका गरम मसाला ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया गरम मसाला तैयार। और जो खड़ा मसाला जो बचा था रोस्ट किया हुआ, उसको मैंने अलग कंटेनर में रख दिया है ताकि जब भी मेरे को ज़रूरत पड़े मैं थोड़ा सा निकालूं, मिक्सी में पीसूं और यूज़ कर लूं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।